नमस्कार, आपका स्वागत है माटीपीएस ऑनर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश कोर्स बुक पेज नंबर 90, 91, लेसन 9 ब्रेव डेबी, पेज नंबर 92। लेट अस रीड, पुट अ टिक इफ द सेंटेंसेस इज ट्रू और अ क्रॉस इफ इट इज नॉट। कैन यू नेम डेबी न्यू फ्रेंड? लेट अस लर्न वर्ड्स, काउंट एंड रीड अलाउड। Page number 93. Look at this picture, and also we will write in English written copy. Page number 19 and 20. Answer the following questions. Let's get started. For that, we are using Oxford NP English course book, page number 90, lesson 9. Brave Debbie. Brave मतलब बहादुर और Debbie जो है वो नाम है। लुक एट दिस पिक्चर एंड नेम द एनिमल्स। यहाँ पर आपको पिक्चर देखना है और एनिमल्स को नेम करना है। नाउ लेट अस काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर्स। अब हमें यहाँ काउंट करना है कि कौन सा एनिमल यहाँ पर कितने हैं और उनके नंबर्स लिखने हैं। सबसे पहले एलिफेंट, तो इस पिक्चर में एलिफेंट कितना है? 1। बियर्स, बियर कितने हैं? 1 एंड 2। डियर, डियर कितने हैं यहाँ पर? तो 1, 2 एंड 3। मंकीज, मंकीज कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। रैबिट्स, 1, 2, 3, 4, 5। कंगारूस, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now let us read the following story. Debbie the deer lives in a forest. Debbie एक deer यानी एक हिरण था जो कि जंगल में रहता था। Her family is new to this forest. उसकी जो फैमिली थी, उसका जो परिवार था, वो उस जंगल में नया था। शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई भी दोस्त जंगल में नहीं थे। ऑल द अदर एनिमल्स हैव फ्रेंड्स, डेबी इज सैड। और बाकी सभी जानवर जो उस जंगल में रहते थे उन सभी के दोस्त थे, लेकिन डेबी का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो उदास थी। पेज नंबर 91। वन डे डेबी सीज बैकी द बियर। एक दिन डेबी ने बेकी द बियर, जो भालू है, बियर मतलब भालू, उसका नाम था बेकी, उसको देखा। एंड हैरी द हेयर नियर द लेक। और हेयर यानी रैबिट, हैरी उसका नाम था रैबिट। तो डेबी ने किसको देखा? बेकी और हैरी, मतलब एक भालू और एक रैबिट, जिसका नाम था, भालू का नाम था बेकी और रैबिट का नाम था हैरी, उसको तालाब के पास में देखा। They are playing hide and seek with Monty the monkey. वो लोग Monty the monkey यानी एक मंकी था, उसका नाम था Monty, उसके साथ hide and seek यानी छुपन छुपाई खेल रहे थे। Debbie wants to play. Debbie भी खेलना चाहती थी hide and seek too. वो भी उन सभी के साथ, bear, rabbit और monkey, जिनका नाम था Becky, Harry और Monty, के साथ hide and seek खेलना चाहती थी। बट द थ्री फ्रेंड्स डू नॉट लेट हर प्ले विद दैम। लेकिन उन तीनों दोस्तों ने उसको खेलने नहीं दिया अपने साथ। सून स्कूटी द स्क्वैरल, स्क्वैरल जो गिलहरी होती है उसका नाम क्या था? स्कूटी। उसी समय वो स्क्वैरल स्कूटी एंड डैनी द डोंकी, और डोंकी गधा जो उसका नाम था डैनी, ये वहाँ पर आए, केम देयर। नाउ द 5 फ्रेंड्स, अब वो पाँचों दोस्त कौन कौन? Scooty, Becky, Monty, Harry and Danny start playing hide and seek together. अब उन पाँचों ने एक साथ hide and seek खेलना शुरू किया. Debbie is sad and alone. She sits under a tree. Debbie जो थी वो बहुत उदास थी और अकेली थी और वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई. Becky the bear closes her eyes. She starts counting 1 2 3 4 और बेकी जो भालू थी उसने अपनी आंखें बंद करी और हाइड एंड सीक खेलने के लिए 1 2 3 4 काउंटिंग करने लगी. ए वुल्फ इज हाइडिंग बिहाइंड अ रॉक. एक भेड़िया जो था, वुल्फ जो था, वो एक पत्थर, रॉक यानी बड़ा जो पत्थर होता है, उसके पीछे छुपा हुआ था. ही पीप्स फ्रॉम द साइड एंड सीज बेकी. वो धीरे से पत्थर के साइड में से झाँक झाँक कर बेकी को देख रहा था. बेकी डज नॉट सी द वुल्फ. बेकी ने वुल्फ को नहीं देखा. डेबी सीज द वुल्फ लुकिंग एट बेकी. और डेबी ने उस वुल्फ को देख लिया कि वो बेकी की तरफ देख रहा है. द वुल्फ ओपन्स हिज माउथ एंड डेबी सीज हिज शार्प टीथ. और वुल्फ ने जब अपना मुंह खोला तो डेबी ने उसके शार्प तीखे तीखे दांत देखे. डेबी शाउट्स अलाउड हेल्प हेल्प अ वुल्फ. डेबी ने जोर से चिल्लाया. अलाउड मतलब जोर से और शाउट्स मतलब चिल्लाना. हेल्प हेल्प मदद करो, अ वुल्फ एक भेड़िया है. डेबी एंड ऑल द अदर एनिमल्स रन टुवर्ड्स द रॉक. डेबी और बाकी सारे जो जानवर वहाँ पर हाइड एंड सीक खेल रहे थे वो किसकी तरफ भाग गए? रॉक यानी पत्थर की तरफ. दे जम्प ऑन द वुल्फ. और वो सब एक साथ वुल्फ यानी भेड़िए के ऊपर कूद गए. द वुल्फ इज सो स्कैर्ड दैट ही रन्स अवे. वुल्फ जो था वो उन सब से डर गया और भाग गया. बेकी थैंक्स डेबी फॉर सेविंग हर. बेकी ने डेबी को थैंक यू बोला कि उसने सेविंग यानी बचाना, उसकी लाइफ को, उसकी जान को बचाया. ऑल द एनिमल्स से सभी जानवरों ने कहा. वी आर सो सॉरी डेबी. वी विल यू बी आवर फ्रेंड. हम आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं डेबी, हमें बहुत शर्मिंदगी है, हमें माफ़ कर दो. क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी? डेबी इज़ हैप्पी. और डेबी बहुत खुश हो गई. नाउ शी हैज़ 5 न्यू फ्रेंड्स. और अब उसके 5 नए दोस्त बन गए. पेज नंबर 92. लेट अस रीड. पढ़ेंगे. 1. Put a tick if the sentences is true or a cross if it is not. हमें यहाँ पे sentences पढ़ना है और अगर वो correct है तो उसके आगे right का निशान लगाना है और अगर वो wrong है तो उसके आगे cross का निशान लगाना है. A. Debbie lives in a forest. Debbie जंगल में रहती थी. Forest यानी जंगल, तो right. B. Debbie is sad because she is lost in the forest. Debbie इसलिए उदास थी क्योंकि वो जंगल में खो गई थी. Lost मतलब खोना, तो नहीं, wrong. C. The animals are playing hide and seek. क्या सभी animals hide and seek खेल रहे थे? Right. D. The wolf is hiding in the lake. क्या जो wolf था वो lake यानी तालाब में छुपा हुआ था, तो wrong. E. डेबी हैज़ नो फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी. डेबी के कोई भी दोस्त नहीं थे स्टोरी के एंड तक. जब कहानी ख़त्म हुई तो नहीं, डेबी के दोस्त बन गए थे, तो इसलिए ये रॉन्ग. 2. कैन यू नेम डेबीज न्यू फ्रेंड्स. क्या हम डेबी के जो 5 नए दोस्त बने थे उनके नाम दे सकते हैं? तो ए, बी से बेकी, बी, डी से डैनी, सी, एच से हैरी, डी, एम से मॉन्टी, ई, एस से स्कूटी. लेट अस लर्न वर्ड्स. यहाँ पर हम वर्ड्स सीखेंगे. नंबर्स. काउंट एंड रीड अलाउड. यहाँ पर हमें काउंट करना है और नंबर नेम को जोर से पढ़ना है. 1, ONE, 1, 1, 2, TWO, 2, 1, 2 एंड 3, THREE, 3, 1, 2, 3 एंड 4, FOUR, 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5, FIVE, 5. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, SIX 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, SEVEN 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, EIGHT 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, NINE 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, TEN 10. पेज नंबर 93. लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखना है. द चिल्ड्रन ऑफ फर्स्ट क्लास आर ऑन अ विजिट टू द ट्रैफिक पार्क. फर्स्ट क्लास के बच्चे जो है वो ट्रैफिक पार्क घूमने के लिए गए हैं. दे आर हैविंग फन लुकिंग एट द कार्स, बसेस एक्सेट्रा. वो वहाँ पर कार्स भी देख रहे हैं, बसेस भी देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स. यहाँ पर हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और हमें यहाँ पर करेक्ट नंबर्स के साथ इनको फिल करना है. सार्थक, आई कैन सी 2 बसेस. सार्थक को यहाँ पर ट्रैफिक पार्क में 2 बसेस दिखाई दे रही हैं. अवंतिका, आई कैन सी 1 डबल डेकर बस 2. अवंतिका को यहाँ पर एक डबल डेकर बस भी दिखाई दे रही है. निशांत, आई कैन सी डैश ट्रक्स. मुझे यहाँ पर ट्रक्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो कितने ट्रक्स हैं वो काउंट करने हैं. 1 2 और 3. तो यहाँ पर कितने ट्रक्स हैं? 3. नूर, लुक लुक देयर आर 4 स्कूटर्स. नूर बता रही है कि देखो यहाँ पर 4 स्कूटर्स भी हैं. अली, नो देयर आर डैश, आई कैन सी 1 नियर द ग्रे बिल्डिंग. नहीं, यहाँ पर 5 स्कूटर्स हैं, जो कि एक और ग्रे बिल्डिंग के पास भी मुझे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर 4 नहीं, कितने स्कूटर्स हैं? 5. पूजा, आई कैन सी डैश ऑटो रिक्शाज. मुझे यहाँ पर ऑटो रिक्शाज भी दिखाई दे रहे हैं, तो कितने ऑटो रिक्शाज हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पर कितने ऑटो रिक्शाज हैं? 6. एनी, कैन यू सी एनी कार्स ऑन द रोड. क्या तुम्हें कार्स दिखाई दे रही हैं रोड पर? रचित, यस आई कैन सी. हाँ, मुझे दिख रही है डैश कार्स ऑन द रोड. कितनी कार्स हैं रोड पर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10 कार्स हैं. जगजीत, आई कैन सी डैश कार्स ऑन द फ्लाईओवर. मैं फ्लाईओवर के ऊपर कार्स भी देख सकता हूँ. कितनी कार्स देख सकते हैं? फ्लाईओवर यानी जो रोड के ऊपर पुल बना होता है. तो 1 2 3 4 एंड 5. तो वहाँ पर कितनी कार्स हैं? 5. ऑल द चिल्ड्रन टुगेदर, वाव 10 कार्स. सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं कि वाव, यहाँ पर 10 कार्स हैं. Now we are using English written copy, page number 19. Question 3. Who shuts the gate? किसने गेट बंद किया? Answer. Grandpa shuts the gate. Grandpa, दादाजी ने दरवाजा बंद किया. Page number 20. Lesson 9, Brave Debbie. 1. Who is near the lake? लेक के पास कौन था? Answer. Harry the hare is near the lake. Harry the hare. हैरी जो रैबिट था वो लेक के पास था. 2. विच गेम दे आर प्लेइंग? वो कौन सा गेम खेल रहे थे? आंसर. दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. What was the name of a squirrel in the story? स्टोरी में, कहानी में स्क्वायरल का क्या नाम था? आंसर, स्कूटी इज द नेम ऑफ द स्क्वायरल इन द स्टोरी। स्टोरी में स्क्वायरल का नाम था स्कूटी। मार्टी आपके ऑन डिमांड में इंग्लिश रिटन कॉपी पेज नंबर 19 एंड 20 आपको दिया हुआ है, उसे देखकर आपको वर्क कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। राइट ऑन द कॉमेंट, गिव मी योर फीडबैक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो, आई विल हैप्पी टू आंसर। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। हैव अ नाइस डे।